जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दोनों दलों के नेताओं के साथ विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और मुख्यमंत्री गहलोत भी चुनावों को लेकर के सक्रिय हो चुके हैं। हाल ही में अलवर के तेजारा में मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से भाग लेने सीधा अलवर के तेजारा पहुंचे, जहां उन्हें आयोजित ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया, जहां हेलीपैड से तेजारा जैन मंदिर जाते समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एबीवीपी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, जिसके बाद प्रशासन के होश उड़ गए, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और तेजारा विधायक संदीप यादव सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और आम जनता ने समस्याओं को सीएम के सामने रखा और कहा कि कई बार अधिकारियों को समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन अधिकारी समस्याओं की सुनवाई नहीं करते, जिस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि आगामी 10 अगस्त तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में 20 राज्यों के 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सहयोगी विजेंद्र जायसवाल के साथ हरिनाम सिंह और रौनक पारिक की रिपोर्ट।